जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत आपका ELS न्यूज पर। जी हां दोस्तों, बात करें पूरे देश भर में क्या रहेगा 14 सितंबर यानी कि कल शनिवार, पूरे देश भर में मौसम का हाल। जी हां दोस्तों, ये बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की। तो 14 सितंबर को पूरे राजस्थान में फिर से बारिश होने के आसार हैं। जी हां दोस्तों, करीब ढाई महीने सक्रिय रहने के बाद राज्य के दक्षिणी पश्चिमी मानसून की विदाई की घड़ी अब नजदीक आ चुकी है। हालांकि मौसम विभाग ने एक बार फिर से अगले दो दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना दी गई है। वहीं बात करें 14 सितंबर को तो पूरे राजस्थान में कुछ में भारी वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में मानसून की ट्रफ लाइन अनूपगढ़ और अलवर होते हुए मध्य प्रदेश व गुजरात तक जा रही है। ऐसे में अगले दो दिन गुजरात के मध्य प्रदेश में पूरी और पश्चिमी इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। वहीं 14 सितंबर को विंड पैटर्न में बदलाव होने की, पूरे राजस्थान में कुछ भागों में विदाई से पहले मानसून मेहरबान होने की उम्मीद है। वहीं बीते 24 घंटों के अंदर मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि प्रदेश में कुछ इलाकों में छिटपुट बौछारें का दौर रहा है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी राजस्थान में दिन में तापमान में हुई रिकॉर्ड बढ़ोतरी ने गर्मी और उमस का असर तेज कर दिया है। पश्चिमी राजस्थान में दिन का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं दोस्तों, बीते 24 घंटों के अंदर गंगानगर में 42.5 और वहीं चूरू में 43.3 और बीकानेर में 41.5 और जैसलमेर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। राजधानी जयपुर में बीते बुधवार को दिन में पारा बीते 4 साल की तुलना में 37.3 डिग्री सेल्सियस के साथ ही सर्वाधिक रहा। शहर के आज सुबह छितराए बादलों की आवाजाही जरूर रही, लेकिन सूर्योदय के साथ ही गर्मी और उमस से तीखे तेवर दिखाए। आज सुबह 6 बजे से शहर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। स्थानीय मौसम केंद्र के अनुसार शहर के आज उत्तरी पश्चिमी हवा चलने का मौसम शुष्क रहने व दिन का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। वहीं सामान्य परिस्थितियों में प्रदेश में 15 सितंबर को पूर्वी राजस्थान में 30 सितंबर पूरे राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून विदाई की मौसम विभाग अधिकारी घोषणा करता रहा है। इस बार प्रदेश में मानसून ने करीब सप्ताह भर में देरी के दस्तक दी, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां सामान्य रहने पर मौसम विभाग ने मौसम संबंधी रिपोर्ट की समीक्षा करते समय के अनुसार प्रदेश में मानसून विदाई की औपचारिक घोषणा करने की तैयारी कर रहा है। वहीं दोस्तों, आसमान में घने बादल छाए रहने और 7:30 बजे से बारिश शुरू हो गई, जो मूसलाधार बारिश में बदल गई। करीब एक घंटे तक जोरदार बारिश से नदी नालों में पानी का आवक फिर से शुरू हो गई। वहीं बांसवाड़ा जिले में बरसात का दौर लगातार जारी रहने से ग्रामीण क्षेत्रों में रपट पानी से संपर्क टूट गया। कई जगहों पर खेत समग्र हो गए। माही बांध में पानी की आवक जारी, गेट खोलकर पानी निकासी की जा रही है। जिले में लगभग एक दर्जन से ज्यादा मार्ग बंद हो गए। वहीं दोस्तों, भिलवाड़ा जांचपुर में पिछले 12 घंटे से रिकॉर्ड तोड़ में 6 इंच बारिश दर्ज की गई। कई लोगों ने पहली बार अपने जीवन में इतनी भारी बारिश देखी। वहीं दोस्तों, बात करते हैं मध्य प्रदेश, सिक्किम और यूपी समेत कई राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विज्ञान द्वारा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और सिक्किम समेत कई राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि उपमलय, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय जैसे क्षेत्रों में पूरे दिन भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं कल 14 सितंबर को। वहीं दोस्तों, मौसम विभाग का पूर्वानुमान जताया जा रहा है कि गुजरात क्षेत्र में कोंकण व गोवा, तमिलनाडु, पांडुचेरी और इसराइल में अलग अलग जगह पर भारी वर्षा की संभावनाएं हैं। बिहार और झारखंड में अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने के साथ ही गरज के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं। पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर पर तेज हवाएं प्रति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे पर पहुंचने की संभावनाएं हैं। मछुआरों को अगले कुछ दिनों तक क्षेत्रों से उद्यम न करने की सलाह दी जा रही है, यानी कि उनको दूर रहने की सलाह दी गई है। वहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश में अब तक सामान्य से 28% अधिक बारिश। मध्य प्रदेश में मानसून के दौरान अब तक सामान्य से 28% बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने भोपाल केंद्र से वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अजय शुक्ला ने गुरुवार को कहा है कि मध्य प्रदेश में 1 जून से 12 सितंबर तक और 12 से 14 तक सुबह तक 111 मिलीमीटर वर्षा होने की संभावना है। इसी बीच अवधि में होने वाली सामान्य बारिश में 28% अधिक है। उन्होंने कहा कि अवधि में राज्य में 861 किलोमीटर बारिश सामान्य मानी जाती है। वहीं बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में अब बारिश धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। इससे प्रदेश में लौटता हुआ मानसून कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, बारिश नहीं होगी। मौसम विभाग द्वारा पूर्वानुमान है कि मूसलाधार बारिश होने की अभी भी संभावना है। जितनी बारिश हो जाए उसे मौसम की मेहरबानी कहा जा सकता है। मौसम विभाग द्वारा पूर्वानुमान है कि एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है और उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में ठीक ठाक बारिश करवाएगा, इससे आंकड़े सुधर जाएंगे। वहीं दोस्तों, बात करें हरियाणा की, अगले सप्ताह में मौसम 14 से 17 सितंबर तक का मौसम पूर्वानुमान। हरियाणा में इस साल मौसम रुका रहा, अब भी कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन मौसम विभाग द्वारा पूर्वानुमान है कि अगले 14 से 17 सितंबर के बीच हरियाणा में ज्यादातर शहरों में मौसम में बारिश की स्थितियां देखने को मिल सकती है। और दोस्तों, पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के उत्तरी और पश्चिमी भागों में मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी वर्षा देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, उपमलय, पश्चिम बंगाल व सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही एक दो स्थानों पर भारी वर्षा का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। इसी के अलावा अलवर, बिहार, गंगे, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के हिस्सों में बाकी बच्चे पूर्वोत्तर भारत में दक्षिणी गुजरात के हिस्सों में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश देखी गई है। इसी बीच बात करें अगले 24 घंटों के दौरान मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले अंडमान निकोबार द्वीप में
मेघालय, पश्चिम बंगाल व सिक्किम, उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और प्रदेश के पूर्वी तथा मध्य भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही एक दो स्थानों पर भारी वर्षा है। इसके अलावा बिहार, गंगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा के हिस्सों में, बाकी बच्चे पूर्वोत्तर भारत में कोंकण व गोवा, दक्षिणी गुजरात, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु के हिस्सों में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की उम्मीद है देश के बाकी हिस्सों में अलग अलग स्थानों पर। इसी के साथ जम्मू कश्मीर, पश्चिमी राजस्थान के कच्छ तथा मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद है कि ये जरूरी अपडेट्स आप सभी को जानने को मिली होंगी। वहीं दोस्तों अभी तक आपने ELS न्यूज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल बटन दिया उसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दिया उसको भी दबा दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।